एनजीटी के आदेशों के अनुसार हमीरपुर जिला के लोगों और दुकानदारों को 1 अप्रैल यानी आज से सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग इकट्ठा करके निपटान करने के आदेश जारी किए गए हैं। लोगों को गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग कूड़ादान रखने होंगे। इसके साथ ही खुले में कूड़ा जलाने और फेंकने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके संबंध में विभिन्न जनप्रतिनिधियों व लोगों को संबंधित विकासखंड, नगर परिषद और नगर पंचायतों से निर्देश भी मिल चुके हैं। वहीं शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर परिषद हमीरपुर ने प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता कमेटियां गठित की हैं। कमेटियां वार्ड में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए नगर परिषद का सहयोग भी करेंगी। हमीरपुर नगर परिषद में गठित कमेटी गीला और सूखा कूड़ा ना देने वाले लोगों पर नजर भी रखेगी। अगर कोई गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग नहीं देता है तो वे इस बारे में नगर परिषद को अवगत करवाएंगे। इसके लिए नगर पंचायत नदौन और भोटा में भी डोर टू डोर गीला और सूखा कूड़ा उठाया जाएगा। इसके लिए लोगों को शुल्क भी देना होगा। नगर परिषद हमीरपुर के ईओ विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि 1 अप्रैल से गीले और सूखे कूड़े के लिए सफाई कर्मचारियों को 2 बैग दिए गए हैं। कर्मचारी अलग अलग बैग में गीला और सूखा कूड़ा इकट्ठा करेंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों को सख्ती से लागू किया जाएगा। ईओ ने लोगों से सहयोग की अपील भी की है। नगर परिषद हमीरपुर ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंतर्गत बिजनेस बायलाज बनाए हैं कूड़े के निष्पादन के लिए, जो कि सारे हमीरपुर के लिए लागू हो चुके हैं। और 1 अप्रैल 2019 से, जो कि आज है, इससे आज से हमने घर घर से कूड़ा उठाना तो पहले ही शुरू कर दिया था, पर आज से जो हमने सेग्रीगेटेड मैनर में कूड़ा, गीला और सूखा कूड़ा जो है निकालने के लिए लोगों से आह्वान किया कि हमें गीला और सूखा कूड़ा अलग दें, जिससे पर्यावरण को सुंदर, स्वच्छ और अच्छा बनाया जा सकते। इसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हर घर में, अपने अपने घर में 2 किस्म के कूड़ेदान रखें, एक नीला और एक हरा। हर एक कूड़ेदान में जो है वो केवल गीला कूड़ा ही डालें और उसको नगर परिषद को दें, और नीला जो कूड़ादान है उसमें सूखा कूड़ा डालें। सूखे कूड़े को सभी हमीरपुर वासियों से अनुरोध है, वे चाहे हफ्ते में एक बार दे सकते हैं, क्योंकि सूखा कूड़े में कभी बदबू नहीं पड़ती है। और गीले कूड़े को डेली हमारे सफाई कर्मचारियों को डेली दें, और सफाई कर्मचारी जो हैं वो नित्य प्रति आपके घर द्वार आएंगे और घर उन उसके लिए हमारे कर्मचारियों का सहयोग करें और नगर परिषद का भी सहयोग करें। इसके साथ ही हमने गीले और सूखे कूड़े के लिए शहर में अलग अलग से गाड़ियां भी लगाई हैं, गली गली में, हर वार्डों में गाड़ियां लगाई हैं, तो वहां भी केवल हमारी गाड़ी में छंटा हुआ ही कूड़ा दें। हमारे कर्मचारी जो हैं वो सीटी बजा के हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं। और इसके अलावा हमने वॉलेंटियर भी रखे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, हर वार्ड के लिए एक एक, वो भी घर घर जाके लोगों को अवेयर करेंगे, जागृत करेंगे कि गीले और सूखे कूड़े का निपटान सही तरीके से करना क्यों जरूरी है और किस प्रकार से करना जरूरी है और कैसे किया जाए। और इससे स्टैटिकल भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हमारे पास शहर में कितने की हाउस होल्ड हैं और किस प्रकार से लोग कूड़े का निष्पादन कर रहे हैं। मेरी सभी नगरवासियों से अपील रहेगी, मेरा अनुरोध रहेगा, करबद्ध गुजारिश रहेगी कि सभी लोग नगर परिषद का सहयोग करें, गीला और सूखा कूड़ा जो है अलग अलग नगर परिषद को दें, ताकि शहर को स्वच्छ, सुंदर और अच्छा बनाया जा सके, और जिससे हमारा कूड़ा जो है सही ढंग से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो साइट है वहां भी सही तरीके से उसका निवारण किया जा सके। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ।